क्वेश्चन आगे देखते हैं। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो सपोज दिस इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड इनवर्ड टू द ब्लैक बोर्ड और प्लेन ऑफ पेपर। क्रॉस बताया था ना मैं, क्रॉस किसको रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन किस साइड, इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड जो क्रॉस से रिप्रेजेंट है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड है डायरेक्टेड है किधर, है इनवर्ड। यहां पर एक चार्ज पार्टिकल है Q, सपोज ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ओके ये मूव किया, ये है बाउंड्री मैग्नेटिक फील्ड का, इतने पोर्शन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, इसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखिएगा, अभी ये चार्ज पार्टिकल सपोज V वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो यहां तक जाते तक इस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि फोर्स कहां लगता है, मैग्नेटिक फील्ड में। जैसे ही ये इंटर किया, ये चार्ज पार्टिकल जैसे ही इंटर किया, तो इस पर अब कौन सा फोर्स लगेगा, लॉरेंट्ज़ फोर्स। ये क्या होता है, फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो ये अपना जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस फिगर को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो इनवर्ड डायरेक्शन में है, चार्ज पार्टिकल ऐसे ही मूव कर रहा है, फोर्स कहां लगेगा, दोनों के परपेंडिकुलर अपवर्ड। इसके कारण ये चार्ज पार्टिकल ऊपर थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, फिर हर एक पॉइंट पर जहां भी वो जाएगा इस चार्ज पार्टिकल पर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगते रहेगा। तो जहां भी वो मूव करेगा वहां पर चार्ज पार्टिकल पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, और उस फोर्स का डायरेक्शन चार्ज पार्टिकल के वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। तो धीरे धीरे जैसे ही ये इंटर करेगा, ये चार्ज पार्टिकल अब इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कौन से पास में मूव करने लगेगा, सर्कुलर पास में मूव करने लगेगा, ओके। क्यों, क्योंकि देखो यहां पे सर्कुलर पास में ये हो गया वेलोसिटी का डायरेक्शन, ये फोर्स का डायरेक्शन, दोनों परपेंडिकुलर है। अगर ये यहां पर जाता है तो ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है और ये फोर्स का डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज के लिए हम ले रहे हैं, ये हुआ वेलोसिटी का डायरेक्शन, ये हुआ फोर्स का डायरेक्शन, फिर ये वेलोसिटी का डायरेक्शन, ये हुआ फोर्स, यानी लॉरेंट्ज़ फोर्स के कारण ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में अब सर्कुलर पाथ में मूव करने लगेगा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लॉरेंट्ज़ फोर्स, F इक्वल टू क्यू वी बी साइन, अब यहाँ थीटा की जगह कितना है, 90 डिग्री है, क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए मैग्नेटिक फील्ड में इंटर कर रहा था। तो साइन 90 का वैल्यू क्या हुआ, 1 हुआ, तो फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्यू वी बी, दिस इज द फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल मूविंग इन सर्कुलर पाथ। तो अब जब कोई भी चार्ज पार्टिकल या कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करता है, तो हमको पता है कि एक और फोर्स लगने लगता है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपेटल फोर्स। तो अगर ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ का रेडियस r है, चार्ज पार्टिकल का मास क्या है, m है, वेलोसिटी v है, तो सेंट्रीपेटल फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर अपॉन r। तो यहां पर सेंट्रीपेटल फोर्स इसमें डेवलप हो रहा है ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स या लॉरेंट्ज़ फोर्स, एक तो ये दोनों फोर्स फॉर द सर्कुलर मोशन, दीज टू फोर्स बैलेंस टू ईच अदर, तो क्या हो जाएगा, ये क्यू वी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तभी तो चार्ज पार्टिकल क्या है, सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, या यहां से हम लोग निकाल सकते हैं आर इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन क्यू वी बी, यानी आर इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन क्यू वी बी अपॉन क्यू बी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ व्हेन चार्ज पार्टिकल मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड। तो इससे क्या पता चल रहा है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे R रिप्रेजेंट किस पे कर रहा है, B पे और V पे, क्योंकि M और Q तो क्या है, कांस्टेंट है, यानी स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल क्या होगा, स्मॉल रेडियस या स्मॉल सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, ओके। तो जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ हम लोग इंक्रीज करते जाएंगे, सर्कुलर पाथ का रेडियस क्या होगा, डिक्रीज होगा, और वैसे जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगा चार्ज पार्टिकल का, अगर हम लोग बी को कांस्टेंट कर दें तो
क्या होगा, आर किस पे डिपेंड करने लग रहा है, वी पे, यानी चार्ज पार्टिकल का स्पीड जैसे जैसे इंक्रीज होगा सर्कुलर पाथ का रेडियस भी क्या होते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा। ओके तो अब देखते हैं यहां पे टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या है, टी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी जितना ये चार्ज पार्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, टाइम पीरियड किसको बोलते हैं, टाइम टेकन बाय चार्ज पार्टिकल टू कंप्लीट वन सर्कल। तो वन सर्कल में चार्ज पार्टिकल कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 2πr, 2πr, और चार्ज पार्टिकल का स्पीड क्या है, v है, तो यहां पर वैल्यू पुट कर दो 2πr अपॉन v, और r का वैल्यू क्या है, mv अपॉन qb, तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो यहां पर आया t का वैल्यू t इक्वल टू 2πr m अपॉन qb। तो देखो यहां पे, अब यहाँ पे T, अगर एक हम लोग कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ले लें, तो M क्या है, M इज द मास ऑफ चार्ज पार्टिकल, M तो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, अगर B भी कांस्टेंट कर दे इसका मतलब T भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। T कांस्टेंट का मतलब क्या है कि चार्ज पार्टिकल चाहे स्मॉलर रेडियस के सर्कुलर पाथ में मूव करे या लार्जर रेडियस के सर्कुलर पाथ में मूव करे, टाइम हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये कैसे पॉसिबल है, जैसे ऐसा समझो कि सपोज देयर आर टू चाइल्ड, वन मूविंग इन अ ट्रैक ऑफ 300 मीटर एंड अदर मूविंग इन अ ट्रैक ऑफ 1000 मीटर, दोनों को सेम टाइम में वन सर्कल कंप्लीट करना है, कैसे पॉसिबल है कि जो 300 वाला है वो स्लो मोशन करेगा और जो 1000 वाला है वो फास्ट मोशन करेगा। सेम यहां पर है, टाइम सेम लगेगा चाहे वो छोटे सर्कल में मूव करे या बड़े सर्कल में, इसका मतलब वो जैसे जैसे लार्जर सर्कल में मूव करेगा उस चार्ज पार्टिकल का स्पीड भी क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। ठीक है, ये तो हुआ अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल इंटर कर रहा है। अब देखते हैं कि अगर चार्ज पार्टिकल टेंजेंटियल डायरेक्शन में मूव कर रहा है तब क्या होता है। देखो यहाँ पे सपोज एक्स डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है और कोई चार्ज पार्टिकल वी वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड से कितना थीटा एंगल बनाते हुए इंटर करता है। पहले तो क्या था, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा था, इसलिए उसका पास क्या हो गया था, सर्कुलर हो गया था, लॉरेंस फोर्स लग रहा था। यहां पर ये थीटा एक एंगल बनाते हुए इंटर कर रहा है, तब क्या देखो क्या होगा, यहां पर ये वेलोसिटी है इसका दो कॉम्पोनेंट हो जाएगा, पहला है v cos थीटा, v cos थीटा, v cos थीटा किधर है, along the direction of magnetic field, तो ये v cos थीटा magnetic field के direction में है, यानी v cos थीटा के कारण चार्ज पार्टिकल पे किसी भी टाइप का फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव करता है या along the magnetic field मूव करता है तो उसपे कोई भी फोर्स नहीं लगता है, यानी v cos थीटा के कारण कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, यानी v cos थीटा चार्ज पार्टिकल को एक कांस्टेंट वेलोसिटी देगा। ठीक है, तो v cos थीटा क्या करेगा, चार्ज पार्टिकल को एक कांस्टेंट वेलोसिटी देगा किधर, अलोंग x एक्सिस। ओके, ये अपना चार्ज पार्टिकल था q, पॉजिटिव चार्ज है। सेकेंड है इसका परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट v sin थीटा, ये v परपेंडिकुलर ले लो, v पैरेलल ले लो, तो परपेंडिकुलर यानी इसे इधर लेते हैं परपेंडिकुलर, तो अगर चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर मूव करता है तो उसका पाथ कैसा हो जाता है, सर्कुलर, यानी v sin थीटा इस चार्ज पार्टिकल को कैसा मोशन देगा, सर्कुलर मोशन। तो दो टाइप का यहां मोशन हो रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, एक है जो चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर मोशन दे रहा है ड्यू टू v sin थीटा, सेकेंड है जो चार्ज पार्टिकल को कांस्टेंट स्पीड दे रहा है लॉन्ग एक्स एक्सिस। तो अब कैसा रहेगा पास, ये चार्ज पार्टिकल ऐसे भी मूव करेगा और आगे भी बढ़ेगा, यानी इसका पास कैसा हो जाएगा, हेलिकल पास हो जाएगा, ऐसा, यानी ये एक हेलिकल पास में आगे की तरफ मूव करेगा दोनों के सुपरपोजिशन के कारण, क्योंकि v cos थीटा आगे मूव करा रहा है इसको और v sin थीटा सर्कुलर पास में मूव करा रहा है। ओके, तो व्हाट विल बी रेडियस ऑफ हेलिक्स, तो जैसे हम लोग पहले निकाले थे
क्या निकाले थे इसको, इसका वैल्यू क्या था भी? R का वैल्यू था एम वी अपॉन क्यू बी। तो रेडियस ऑफ हेलिक्स यानी इस हेलिक्स का वी हम लोग कौन सा लेंगे, वी साइन थीटा, तो एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी, ये हुआ रेडियस ऑफ हेलिक्स। सेकेंड है इसका पिच, पिच क्या होता है, पिच होता है ये वन टाइम पीरियड में जो जितना वो डिस्टेंस एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है दैट इज नोन एज पिच ऑफ हेलिक्स। तो पिच इधर देखो, इधर इसका स्पीड क्या है v cos थीटा और टाइम पीरियड कितना है t, तो पिच का वैल्यू हो जाएगा v sin थीटा इनटू t, और t क्या है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का हम लोग फॉर्मूला पहले क्या निकाले थे, तो ये हो जाएगा ये टाइम पीरियड कितना था, टाइम पीरियड इक्वल टू ये हो जाएगा v sin थीटा और ये था 2 पाई m अपॉन b, ओके एम बी 2 पाई अपॉन एम बी था, ये हम निकाले थे ना पहले टाइम पीरियड का वैल्यू, देख लो उसको एक बार, 2 पाई m अपॉन क्यू बी था, याद रखना 2 पाई अपॉन क्यू बी, हम टाइम पीरियड निकाल चुके थे। टाइम पीरियड देखो कैसे निकालेंगे, t इक्वल टू क्या होता है 2 पाई r अपॉन v, और v की जगह यहाँ पे क्या रहेगा v sin थीटा, और r का वैल्यू यहाँ से पुट कर दोगे तो 2 पाई अपॉन v sin थीटा और r का वैल्यू क्या है mv sin थीटा अपॉन qb, ठीक है तो v sin थीटा कैंसिल हो गया, कितना हुआ 2 पाई m अपॉन qb, ठीक है तो ये 2 पाई m अपॉन qb, तो इसको कंबाइंड फॉर्म में p इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई mv sin थीटा अपॉन qb, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पिच ऑफ हेलिक्स, ठीक है। तो पिच समझना, पिच किसको बोलेंगे, पिच होता है कि वन टाइम पीरियड में वो जितना आगे बढ़ा उसी को क्या बोलेंगे, पिच ऑफ हेलिक्स।